चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों ना लगा दे, लेकिन आप अपने उस पति को उस बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकती जो उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। आप मायके से उस बच्चे को नहीं लाई थी, वो बच्चा इसी पति से उत्पन्न हुआ है। आप क्या संसार का कोई भी व्यक्ति उसको अपने जिगर के टुकड़े से मिलने से नहीं रोक सकता। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे पास फोन करते हैं रोते हुए, इसी तरह से मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं रोते हुए ऑफिस में, और वो एक ही बात कहते हैं कि उनकी पत्नी उनको बहुत बुरी तरह से परेशान कर रही है, झूठे केसों में फंसाने की धमकियां दे रही है, और वो ये कह रही है कि वो जेल की चक्की उनको पिसवा देगी, बच्चे से नहीं मिलने देगी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें क्या करें क्या करें, और उनको कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ उन सभी प्रैक्टिकल गलतफहमियों के बारे में चर्चा करने वाली हूँ जब पत्नियां आपको गलत गलत बातें बताती है, गलत गलत बातों के बीच में फंसा करके आपको डराने धमकाने का काम करती है, और आप अक्सर उन बातों को सच मान करके आप घबरा जाते हो। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए होता क्या है, कोर्ट के अंदर केस हुए, जो एक पैकेज शुरू होता है या जो लड़कियों को बताया जाता है कि 498A का केस कीजिए मैडम, लड़कियां जब आपस में बातचीत करती हैं अपने माताजी से पिताजी से भाई बहन या किसी और सगे संबंधी से अपने वेल विशर्स से जब वो बात करती हैं और वो ये कहती हैं कि भाई मैं अपने पति से खर्चा मांगना चाहती हूँ, मैं 125 का केस करना चाहती हूँ, या कभी कभी लड़कियां बदले की भावना में अपनी सहेली से पूछती है कि ये मेरी बात को नहीं मान रहे, मैं इनके ऊपर कौन सा ऐसा केस करूं ताकि इनको सबक सिखा सकूं और ये मेरी बात को मान सके। तो वो कहती हैं आपकी पत्नी कि वो घरेलू हिंसा का केस करने के विषय में सोच रही हैं। तो उसकी सहेली कहती है अरे मूर्ख, ये क्या बेवकूफी करने जा रही है, 498A का केस करो, उसको जेल की चक्की पिसवाओ, उसको नहीं उसके सारे जब पूरा परिवार जब जेल में जाएगा ना तब मजा आएगा, देखो तब कैसे नाक रगड़ते हुए सब सामने आ जाएंगे। ये कैसा घिनौना मजाक आपके साथ किया जाता है। अगर दहेज से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं है, आपने कभी दहेज नहीं मांगा, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी झूठी बातों को मनवाने के लिए आपके ऊपर झूठा केस करके आपके नाक में नकेल कस दी जाती है तो ये आपके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ करता है। हाँ, यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात फिर से कहना चाहूंगी कि अगर मैं पत्नियों के बारे में ऐसा कह रही हूं तो सिर्फ उन झूठी पत्नियों के बारे में कह रही हूं जो केस झूठा करके अपने पतियों को सताया करती हैं। लेकिन आप सभी ध्यान रखें, आज की तारीख में भी बहुत सारी लड़कियां बुरी तरह से कुचली हुई हैं, बुरी तरह से परेशान है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, और वो प्रताड़ित लड़कियों को न्याय नहीं मिल पाता अगर आप जैसे झूठी पत्नियां कोर्ट के अंदर केस कर दिया करती हैं। तो जो पहली सबसे बड़ी गलतफहमी है जो आप लोग अक्सर सुना करते हो, लड़कियां ये कहा करती हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है, मैं आप सभी लोगों को जेल में सड़ा दूंगी, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दूंगी। और यहीं पर लड़के डर जाया करते हैं, वो सहम जाया करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर 498A का केस कर दिया तो वो सारे के सारे जेल में जाएंगे, और ये लड़कियां जो कह रही हैं उनकी बात जरूर सच होगी क्योंकि चारों तरफ वो यही बातें तो सुनते आ रहे हैं। अरे ये कैसी बात है, वो कौन सा स्कूल है
जहां पर पत्नियों को ये बातें सिखाई जाती हैं, वो स्कूल तो देखने लायक ही होगा, वो स्कूल में तो हम सभी को जाने की जरूरत है, जहां हम ये देख सके, जहां हम ये पा सके कि 498A का केस लड़कियों ने किया नहीं, कि आप सभी लड़के चले गए जेल में, और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि फेंके गए, बल्कि आप सभी के परिवारों को भी जेल में फेंक दिया गया। क्या ऐसा कोई स्कूल है? क्या ऐसा कोई स्कूल कहीं पर नहीं है? ये सिर्फ गलत फहमियां हैं जो जानबूझ करके लड़कियां र्यूमर्स अफवाह पूरे समाज में फैला करके रखती हैं, ताकि आप जैसे लड़के उनकी बातों में आ जाओ, डर जाओ, और डर करके उनकी बातों को मान लो। तो आप डरना छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक और गलत फहमी जो लड़कियां पाले रहती हैं, वो ये सोचती हैं कि अगर वो 498A का केस करेंगे, यानी दहेज का वो केस करेंगी, तो ये केस की जानकारी जैसे ही लड़के पक्ष के पास पहुंचेगी, वो फटाफट आएंगे और आपके पैर पकड़ेंगे। आप कहीं की देवी हैं क्या जो आपके पैर पकड़े जाएंगे? इन सब चीजों को करना प्लीज आप लेडीज छोड़ दीजिए। अगर आपके साथ वाकई में कुछ गलत हुआ है, किसी लड़के ने आपके साथ, यानी आपके पति ने आपके साथ गलत किया, तो उसको किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपके साथ हूं, लेकिन आप सिर्फ अपने अहम की वजह से आप अपने पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर 498A का झूठा केस दायर कर रही हैं, सिर्फ इस नजरिए से कि लड़के आएंगे और आपके पैर छुएंगे, आपके पैर पकड़ लेंगे। तो आपकी ये सबसे बड़ी गलत फहमी है मैडम। आप जो ये र्यूमर्स फैला रही हैं, आप जो ये अफवाह फैला रही हैं, इससे लड़के का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपका खुद का नुकसान हो रहा है, क्योंकि समाज में आपकी पर्सनालिटी डाउन 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 होती जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के अगर झूठे केस आप करती हैं, कहीं पर किसी केस में आपने कुछ लिख दिया, दूसरे केस में किसी और कुछ लिख दिया, अपनी बहन को आपने कुछ और कह दिया, चाचा को तो आपने कुछ और कह दिया, तो इन सब चीजों का आपकी पर्सनालिटी पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि आप सच बोलना छोड़ देती हैं, आपको सच बोलना याद ही नहीं रहता, आप हर एक चीज में झूठ बोलने की कोशिश करती हैं, क्योंकि आपको ये याद ही नहीं कि आपने असल में बोला क्या था। देखिए, अगर आपके साथ कुछ चीज सच हुई होगी तो आपको हमेशा याद रहेगी और आप फटाफट बोल देंगे, लेकिन अगर आप कोर्ट के अंदर कंप्लेंट के द्वारा झूठ बोल रही हैं, तो आपको याद ही नहीं रहेगा, आप कभी कुछ कह देंगी और कभी कुछ कह देंगी, और यहीं पर आप अपनी पर्सनालिटी को ही बर्बाद कर रही हैं, लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह से एक और गलत फहमी जो लड़कियां पाले रहती हैं अपने अंदर, कि सैलरी आधी क्या पूरी मैं ले लूंगी अपने पति से। मैडम, ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है कि अगर आप ये साबित कर पाए कि आपके पति इतना कमाते हैं, तो आप उनकी सारी सैलरी ले लेंगी, आधी सैलरी ले जाएंगी? भूल जाइए, ये गलत फहमी पालना छोड़ दीजिए। अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो 2100-3100 मैक्सिमम 5100 रुपए कोर्ट के द्वारा बंधा करते हैं मेंटेनेंस के नाम पर। हाँ, वो बात अलग है कि कहीं पर आपकी लाखों की सैलरी है, तो वहां बाय चांस थोड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इतने ही पैसे कोर्ट्स के द्वारा बांधे जाते हैं मेंटेनेंस के नाम पर। और उस मेंटेनेंस को बंधवाने के वजह से आप कितना झूठ बोलती हैं कोर्ट में, कितना शोर मचाती हैं, कितना तोड़फोड़ करती हैं, क्या उस थोड़े से पैसे से आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी? थोड़ा सा सोचिए मैडम कि आप कोर्ट में क्या कर रही हैं, किस गलत फहमी में आप जा रही हैं, कहां तो आपके पति जो कि इन गलत फहमी को पाल करके घबरा रहे हैं कि आपकी पत्नी ऐसा कर लेंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बल्कि जो पत्नी है, आपको अपने आप के ऊपर संयम रखना होगा, आपको ये मालूम करना होगा कि कोर्ट में फालतू में शोर मचाने से कुछ भी नहीं होता। इसके बाद जो सबसे ज्यादा शोर लड़कियां कोर्ट में मचाया करती हैं, वो होता है प्रॉपर्टी के ऊपर। लड़कियां कहती हैं कि मैं तेरी प्रॉपर्टी खा लूंगी, मैं तेरी प्रॉपर्टी ही नहीं, तेरे
माता पिता की भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लूंगी, और वो उन प्रॉपर्टीज पे कब्जा करके बैठ जाते हैं और उनके पति और ससुराल के अन्य पक्ष बेचारे किरायों के मकान पर घुमा करते हैं। आप मुझे बताइए, आईपीसी, सीआरपीसी या हिंदू विवाह अधिनियम या इसी तरह के संविधान या किसी और एक्ट में ये कहां पर ये लिखा हुआ है कि लड़की की पति की प्रॉपर्टी पर कब्जा हो सकता है या पति की प्रॉपर्टी पर अधिकार है? आपका अगर अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी की प्रॉपर्टी पर अधिकार है। और अगर आप ये सोचती हैं कि कोई प्रॉपर्टी आपने और आपके पति ने मिलकर के कहीं पर ली थी और उस प्रॉपर्टी में सारा पैसा आपके पति का गया हुआ है, उसके पास सारी ट्रांजैक्शंस हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप उस प्रॉपर्टी को खा जाओगी? कुछ नहीं होने वाला, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपके पति कब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गए और कब उन्होंने वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली। और अगर ऐसा नहीं भी हो पाया तो आप कोर्ट में कैसे साबित कीजिएगा कि आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी? आप तो ये कह रही हैं कोर्ट में 125 का मुकदमा खड़ा करके कि आप कमाती नहीं है, आपके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, तो आप प्रॉपर्टी कहां से लेकर के आ सकती हैं? तो मैडम, इन गलत फहमियों को ना पालिए, इन ख्याली पुलावों में ना रहिए, और आप सभी पति लोग भी आपको ये गलत फहमी अपने दिमाग में डाल करके नहीं रखनी है और डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से एक और गलत फहमी जो लड़कियां अपने दिमाग में रखती हैं कि मैं तलाक नहीं दूंगी और तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगी, जिंदगी भर तुम्हें कोर्ट के अंदर चप्पल घिसवाऊंगी, चप्पल घसीटते रहोगे लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगी, ये कहती हैं वो पतियों को। यहां पर पति बहुत ज्यादा घबरा जाया करते हैं। मैंने इस पर एक और वीडियो पहले भी बनाया है, ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 13 के अंतर्गत बहुत साफ तरह से ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी पत्नी आपको बिना बताए, बिना किसी वजह के आपको छोड़ करके अपने मायके में जाकर के बैठ जाए, तो डिजर्शन के ग्राउंड पे, या अगर आपकी पत्नी आपके साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार करती है तो क्रूरता के ग्राउंड पर, या अगर आपकी पत्नी के किसी और पर पुरुष के साथ संबंध है तो एडल्ट्री के ग्राउंड पर, या इसी तरह के बहुत सारे ग्राउंड हैं जहां पर आप कंटेस्टेड डिवोर्स के जरिए आप कोर्ट में तलाक ले सकते हैं। आपकी पत्नी कहती रहे कि मैं तलाक नहीं दूंगी, उससे मांगा किसने है, उससे परमिशन किसने ली है? अगर आपने कंटेस्टेड डिवोर्स कोर्ट के अंदर फाइल कर दिया है तो उससे परमिशन नहीं मांग रहे हैं आप बल्कि वो आधार दिखा रहे हैं ऑनरेबल जज साहब को कि इस वजह पर, इस ग्राउंड पर आपको तलाक मिल जाना चाहिए, और अगर आप साबित कर देते हैं तो आपको तलाक मिल जाएगा। आप अपनी पत्नी को इसी मुगालते में रहने दीजिए कि वो तलाक नहीं देगी तो आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ एक और जो गलत फहमी है पत्नियों की वो ये होती है कि वो बच्चे से आपको मिलने नहीं देगी। यहां पर आप कोर्ट में जो भी आपका केस चल रहा है वहां विजिटेशन की एप्लीकेशन दायर करते हैं, उस एप्लीकेशन पे बहस होने के बाद जज साहब आपको कह दिया करते हैं कि आप हफ्ते में एक दिन, दो दिन या व्हाटएवर, जो भी जज साहब को डिसाइड करना है वो डिसाइड कर देते हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन उसके बावजूद भी आप उस बच्चे के पिता हैं, आपको उस बच्चे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। अगर आपका मन करता है तो आप दो बार, चार बार, छह बार भी जा सकते हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए, और अगर आपकी पत्नी ये कहती है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देगी क्योंकि कोर्ट ने दो बार या एक बार मिलने के लिए कहा था और आप ज्यादा मिलने आ रहे हैं, तो लगाने दीजिए ना उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसको रोका किसने है? वो कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएगी तो उसके बाद उसको भी तो कोर्ट में ये बात बतानी होगी कि वो बच्चे से आपको मिलने क्यों नहीं दे रही। इसी के साथ साथ बच्चे से ना मिलने देना भी अपने आप में क्रूरता है, और इस क्रूरता पर बहुत सारी साइटेशंस हैं
कि आप डिवोर्स आराम से ले सकते हैं और ऐसी पत्नी के साथ आपने रहना भी क्यों है जो ना तो आपके बच्चे से आपको मिलने दे रही है, प्रॉपर्टी को जबरदस्ती हड़पना चाह रही है, आपकी सैलरी पर वो अपना पंजा कसना चाह रही है, 498A के झूठे केस लगा करके आपको और आपके परिवार को धमका रही है, डरा रही है, तो ऐसी पत्नी से आपने साथ में रह करके कोई फायदा भी नहीं होना। आप पत्नियों के दिमाग में जो ये पोल्यूशन चल रहा है, जो ये विशिएटेड माइंड आपका हो चुका है, आपके दिमाग में ये जो कुविचार पनप रहे हैं, इनको यहीं पर तोड़ दीजिए, यहीं पर इनको रोक दीजिए, क्योंकि आपका खुशनुमा परिवार, आपका पति और आपके बच्चे, जो बहुत अच्छा हो सकता था, उस घर को आपने आग में छोड़ दिया, आपने अपने ही पति को दुश्मन बना डाला। आप अपने पति को दुश्मन ना बनाएं। अगर आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हो रही है कि आपका टेम्परामेंटल जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही अलग है, आप एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं, व्यवहार में, बातचीत में, खान पान में, हर एक चीज में अंतर है, तो आपको किसने कहा है कि आप कोर्ट के अंदर केसेस कीजिए? क्यों नहीं आप म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स को फाइल करते? आप वहां तक आइए, टेबल पर बैठिए, टेबल पे बातचीत कीजिए, बच्चे की तरफ देखिए। आप दोनों की लड़ाई की वजह से बच्चा पिस रहा है। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इस जिंदगी को बदसूरत ना बनाइए अपने इन वाद विवादों के चलते हुए, बल्कि इसकी खूबसूरती को देखिए। अगर आप दोनों का नहीं जम रहा तो कोई बात नहीं, आप दोनों आपसी सहमति से तलाक लें, अलग अलग रास्ते करें और उसके बाद आगे अपनी जिंदगी खुशनुमा तरीके से जिएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि पत्नियों के दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां चला करती हैं, वो अपने दिमाग में गलतफहमी पाल करके रखती हैं कि उनके हाथ में बहुत ज्यादा पावर है, वो 498A का केस करेंगी और फौरन पुलिस महकमा उनके पति को और उस पति के परिवार के सभी लोगों को भी जेल में फेंक देगी। भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको ये लगता है, आप पत्नियों को ये भी महसूस होता है कि 498A का केस आते ही आपके पैर पकड़ेंगे आपके पति देव, भूल जाइए। आपको ये लगता है कि आप अपने पति की या ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी को खा जाएंगी, भूल जाइए। आपको ये लगता है कि आप तलाक नहीं देंगी और अपने पति की चप्पलें कोर्ट में घिसवाएंगी पूरी जिंदगी भर, भूल जाइए। अगर आपको ये भी लगता है कि आप उस बच्चे को मोहरा बनाएंगी, बच्चे से नहीं मिलने देंगी, तो आप वो भी भूल जाइए। आप चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों ना लगा दें, लेकिन आप अपने उस पति को उस बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकती जो उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। आप मायके से उस बच्चे को नहीं लाई थी, वो बच्चा इसी पति से उत्पन्न हुआ है। आप क्या संसार का कोई भी व्यक्ति उसको अपने जिगर के टुकड़े से मिलने से नहीं रोक सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।